दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। खेल महाकुंभ 2022 का करेंगे उद्घाटन, जोरदार स्वागत की हो रही तैयारी। वायनाड पहुंच रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कार्यक्रम में होंगे शामिल, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीख घोषित, 24 मार्च से शुरू होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षा, 12 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। कांग्रेस के बड़े नेता एके एंटनी ने छोड़ी चुनावी राजनीति, सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे कल यानी कि 10 मार्च को आ रहे हैं। वहीं नतीजों के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। दरअसल 11 मार्च को पीएम मोदी करीब 10:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो कोबा रीजन ऑफिस कमलम जाएंगे। प्रदेश कार्यालय कमलम में पार्टी की ओर से पीएम मोदी का भव्य स्वागत करेंगे, जिसकी तैयारी में वो जुटे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 1.5 से 2 घंटे का समय कमलम में ही बिताएंगे और उसके बाद वो राजभवन के लिए निकलेंगे। दोपहर भर पीएम राजभवन से लेकर जीएमडीसी सेंटर अहमदाबाद तक सरपंच सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सरपंच सम्मेलन के बाद पीएम मोदी राजभवन लौटेंगे और जहां राजनीतिक बैठकें होंगी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 12 मार्च को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और उससे ठीक बाद वो राजभवन वापस लौट जाएंगे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से साझा किए गए शेड्यूल के मुताबिक वह वायनाड के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी सुबह 9 बजे विधायक टी सिद्दीकी के ऑफिस जाएंगे और उसके बाद कलेक्ट्रेट में एक AMU पर साइन करेंगे। इसके बाद मक्कम में राहुल गांधी LP स्कूल की एक नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी कोझिकोड में एक इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे। वह मलापुरम में जामिया नदविया में एक पुरुष हॉस्टल का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही उनका यह वायनाड दौरा खत्म हो जाएगा। बता दें राहुल गांधी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से एक दिन पहले यह दौरा कर रहे हैं। 10 मार्च को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा के परिणाम आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति इन 3 राज्यों में अच्छी नहीं है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार वहां भी हालत खराब हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता पार्टी को गुड बॉय कहने वाले हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री रहे AK एंटनी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि वो अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 81 साल के एंटनी ने सोनिया गांधी से कहा है कि 2 अप्रैल को उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब इसके बाद वो दोबारा चुनाव में नहीं उतरना चाहते। वो इस समय केरल से राज्यसभा सांसद हैं। एक एंटनी ने यह भी कहा है कि वो अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, जल्द ही वो तिरुवनंतपुरम में शिफ्ट होंगे। बता दें वो 52 साल से राजनीति में हैं। पहली बार 1970 में वो केरल में विधायक बने थे। एक एंटनी कांग्रेस युवा और छात्र विंग के नेता रहे हैं। एंटनी 3 बार केरल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बता दें 37 साल की उम्र में वो केरल के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती से पहले एक बार फिर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को सवालों के घेरे में लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम चोरी और काउंटिंग में धांधली को लेकर दबाव बनाए जाने का आरोप लगा दिया। एग्जिट पोल्स में पिछड़ने के बाद अखिलेश ने इसे भी साजिश से जोड़ दिया है। सपा अध्यक्ष को मोदी सरकार के मंत्री SP बघेल ने जवाब दिया है, जो उन्हें करहल में भी चुनौती दे रहे हैं। SP बघेल ने अखिलेश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर ईवीएम में धांधली संभव है तो बीजेपी उन राज्यों में भी सरकार क्यों नहीं बना लेती जहां विपक्षी दलों की जीत हुई। मध्य प्रदेश, झारखंड से लेकर दिल्ली तक का उदाहरण देकर उन्होंने पलटवार किया है।
दर्शकों, पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ रहे हैं। नतीजे आने से पहले राज्य के पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह को अलग ही अंदाज देखने को मिला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माइक संभालकर गाना गाया और उसी के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गाना गाकर कहा कि लोग आपकी हर बात पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उसे चेहरे पर नहीं आने देना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे की तासूर से समझ जाएंगे। बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो ये पार्टी का नजारा, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जहां उनका ये अलग अंदाज सभी ने देखा। यहां वो इशारों में उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा है, साथ ही गीत के माध्यम से उन्होंने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कई मुखड़े गाए हैं। एक अच्छी खबर है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा अब लगभग समाप्त हो गया। सोमवार को भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट 201 भारतीयों के दल को लेकर राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस लौटा है। इस क्रम में भारत ने संकट की इस घड़ी में कई भारतीयों के साथ कुछ विदेशी नागरिकों को भी रेस्क्यू किया। इसी क्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से बांग्लादेश के नए 9 नागरिकों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत भारत ने कुछ नेपाली ट्यूनिशियाई छात्रों को भी बचाया है। यही नहीं, इस दौरान एक पाकिस्तानी छात्रा का भी वीडियो सामने आया, जिसमें वह खुद को एक पाकिस्तानी छात्रा बताती है। यूक्रेन पर रूसी हमलों का आज 14वां दिन है। 14 दिन बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले कम नहीं हुए हैं। राजधानी कीव समेत कई शहरों में अब हर जगह तबाही नजर आ रही है। वहीं यूक्रेन पर हमलों को देखते हुए सभी देश अपने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। भारत ने भी ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला है। वहीं अब एक पाकिस्तानी महिला ने उन्हें यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। महिला ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया हमें सुरक्षित निकालने के लिए। दरअसल महिला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद को एक पाकिस्तानी महिला बताती है। वीडियो में कहती है, मेरा नाम अस्मा शरीफ है, मैं कीव में भारतीय दूतावास समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी मदद करते हुए हमें यहाँ से सुरक्षित निकाला। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जहाँ पर ये पाकिस्तानी युवती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन में भारतीय दूतावास का धन्यवाद देती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को कई लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है छात्रा का कहना, अब जरा एम्बियंस के साथ सुनिएगा। And I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kiev for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. Get home safely because of the Indian embassy. यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान, तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर, जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है, जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में।
डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां कल यानी कि 10 मार्च को मतगणना होनी है, वहीं दूसरी ओर एग्जिट पोल में सूबे में BJP की बहुमत से सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में जनता का एग्जिट पोल पर कितना भरोसा है, संत कबीर नगर से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने। क्या कहा जनता ने इस दौरान, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। कल मतगणना का दिन है और इस समय हम खड़े हैं संत कबीर नगर में और संत कबीर नगर की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उनको, उसको जनता किस नज़र से ले रही है और जनता जो है जनार्दन होती है और जनता ही अपना मैंडेट देती है और अपनी सरकार चुनती है। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव नाम है। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहते हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो BJP को एग्जिट पोल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है, उसको किस नज़र से आप ले रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल है और जो है पब्लिक का एग्जिट पोल नहीं है, ठीक है। मीडिया जो है दिख चुकी है, वो जो कह रहे हैं वही दिखा रही है। इनका एग्जिट पोल जो है बंगाल में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, हर जगह इनका फ्लॉप हुआ और कोई एग्जिट पोल इनका सही नहीं होने वाला है। आप बताइए अखिलेश जी, आपसे जानना चाहते हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कि BJP की बहुमत एग्जिट पोल में नज़र आ रही है, सरकार बनती नज़र आ रही है, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? हम लोग पहले भी पूरे चैनल का एग्जिट पोल देखे हैं, जैसे कलकत्ता हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो। एग्जिट पोल तो जिसकी सरकार रहती है उसी का एग्जिट पोल है। जो परिणाम 10 तारीख को आएगा, हम लोग पूरा जनता उस पर भरोसा करती है। क्या ये फर्जी है? अब ये चैनल वाले दिखा रहे हैं, अब ये पता नहीं कहाँ से सी वोटर बना करके अपना चला रहे हैं, लेकिन जनता का जो मत है वो कल जब गिनती हो जाएगा उसके बाद ही सही परिणाम पता चलेगा। आप बताइए, आप क्या मानते हैं विवेका जी कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उन पे कितना आप यकीन करते हैं और आपकी नज़र में एग्जिट पोल ने जो दिखाया है कि BJP की सरकार जो है बनने जा रही है, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? एग्जिट पोल तो मान लीजिए आप TV चैनल चला रहे हैं, तो TV चैनल आपकी अपनी स्वतंत्रता है और सोशल मीडिया पर भी है। सोशल मीडिया भी लोगों ने एग्जिट पोल अपना दिखाया है और TV चैनलों ने दिखाया है, तो ये तो आपका जो था उसमें BJP को जैसे UP के अंदर में दिखाई दे रहा कि भाजपा सरकार बना रही है,
और मान ली पंजाब के अंदर में अन्य दल को आम आदमी पार्टी या ऐसा जो भी आ रहा है, अन्य प्रदेशों का अलग अलग है। तो जिस भी प्रकार के अब यहाँ की मान लीजिए आप किसी से बात करेंगे तो आपने कहा कि टीवी चैनल का जो आया सर्वे या एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल ठीक है आपका जो आया है हम भी उसको मानते हैं, लेकिन यह कि सही बात है दूध का दूध पानी पानी तो कल आ जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में और मोदी जी के द्वारा जो भी कार्य किए गए उसको लेकर के जनता ने सबका साथ सबका विकास की भावना से भाजपा को पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सरकार में ला रही है और बहुमत से हम आ रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा कमेंट नहीं। देखिए ये लोग जो अभी बोल रहे थे कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, पहला अभी ये कह रहे हैं ना अभी जब गणना कल हो जाएगी तो ईवीएम के प्रति ये गुस्सा उतारेंगे, अभी देख लीजिएगा कि ईवीएम के प्रति ये लोग गुस्सा उतारते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है कहने का। कह रहे थे कि टीवी वाले बिके हुए हैं चैनल वाले बिके हुए हैं, आप भी एक टीवी चैनल के हैं, आप सबकी बाइट लेते हैं सबकी बात चलाते हैं, तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है। बात अपनी कहने के लिए मतदाताओं ने अपना जो मतदान था वो दे करके बैलेट बॉक्स में और जो ईवीएम मशीन में पैक कर दिया। निश्चित तौर पे कल तक आप लोग इंतजार करें और नई सरकार और अपनी पुनः योगी आदित्यनाथ जी स्थापित हो रहे हैं, सरकार बनाएंगे भारी बहुमत से। आप भाई साहब बताइए आप क्या मानते हैं कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि उस पर कितना आपकी आपकी क्या सोचते हैं? एग्जिट पोल गलत दिखा रहा है। कैसे कह सकते हैं गलत? अब जनता का रुख है, जनता वोट दी है, जनता जान रही है जहां वोट दी है। क्या मानते हैं कि जनता ने किसको मैंडेट दिया? जनता सपा को मान रही है, जय चौबे को मान रही है। ओवरऑल अगर यूपी की बात करें जैसे अजीत पोल ने कहा कि की बात नहीं हम अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से एग्जिट पोल का जो यहाँ से जय चुनाव जीतेंगे? तो लोगों का अपना अपना मानना है और अपनी अपनी लोगों की राय है, आप क्या मानते हो? लोगों का अपना अपना मानना है, अपनी अपनी राय है। लोग कुछ लोगों का ये मानना है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से जिस तरह बंगाल और महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के नतीजे फेल हुए थे उसी तरह जो है यूपी में एग्जिट पोल के नतीजे गलत हैं। फिलहाल कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि एग्जिट पोल जो है सही दिखा रहा है और उसके नतीजे जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। लेकिन कल क्या होगा? कल मतगणना का दिन है, कल क्या होगा? कल जनता का मैंडेट क्या होगा मतगणना के बाद ये तो पता चलेगा, लेकिन जनता की मिलीजुली भावना जो है देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। बता दें बोर्ड द्वारा दी जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च 2022 से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेंगे। वहीं प्रदेश में 8373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाईस्कूल की परीक्षा में और इंटरमीडिएट की परीक्षा में आपको बता दें कि 24,11,035 छात्र शामिल होंगे। तो 22 मार्च से 20 अप्रैल तक परीक्षाएं चलेंगी जिनकी तारीखें घोषित कर दी गई हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेटशीट घोषित की गई है, जहां हाईस्कूल की परीक्षा में 27,81,000 छात्र और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 24,00,000 छात्र शामिल होंगे। मेरठ में पिस्टल से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें इस वीडियो में एक युवक एक महिला से पिस्टल फायरिंग कराते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि डीजे पर डांस करते हुए ये फायरिंग की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये वायरल वीडियो मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी छानबीन में जुटी हुई है। सहारनपुर के थाना फतेहपुर के गांव मुसैल के जंगल में बीती रात करंट से गुलदार की मौत हो गई। सुबह खेतों की तरफ गए किसानों ने मृत गुलदार को देख वनकर्मियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद डीएफओ शिवालिक और वन क्षेत्राधिकारी मोहन टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच पड़ताल की। वहीं गुलदार के शव को रेंज कार्यालय लाकर चिकित्सकों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटों पर गुरुवार यानी 10 मार्च को मतगणना होना है।
जिसमें 93 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन मतगणना से चंद घंटे पहले बरेली में जो कुछ हुआ वो सिर्फ महज एक इत्तफाक नहीं कह सकते, क्योंकि कूड़ेदान की गाड़ी से बक्से पहुंचने पर सवाल खड़े हो गए। इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत तो गर्म है, लेकिन प्रत्याशियों की भी धड़कन तेज हो गई है। 10 मार्च को होने वाली मतगणना से पहले ईवीएम में धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। इस मामले में मंगलवार शाम नगरपालिका बहेड़ी की कूड़े की गाड़ी में पोस्टल बैलेट और चुनाव सामग्री से भरे 3 बक्से मिलने पर सपाइयों ने जमकर हंगामा किया। डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने परसाखेड़ा ईवीएम स्ट्रांग रूम पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पहले दिन से ही प्रशासन पे और सरकार पे भरोसा नहीं है, और इसीलिए हमारे संगठन के लोगों ने हमारे सारे कार्यकर्ताओं की विधानसभा वार ड्यूटी लगी और सब लोग यहाँ पर टेंट में बैठे। हम लोगों ने अपने कैमरे भी लगवा दिए हैं, प्रशासन के भी लगे हैं। मैंने परसों एडीएम साहब से कहा था कि जो गाड़ी अंदर बाहर हो रही हैं या तो उनके लिए एक रजिस्टर रखा जाए, उनकी एंट्री हो कौन सी गाड़ी है काय के लिए आई है, और नहीं तो उनको पास जारी कर दिया जाए। दो एक गाड़ियाँ बगैर पास की गाड़ी चल रही हैं, पता नहीं कौन सी गाड़ी अंदर चली जाए कौन सी बाहर आ जाए। आज की घटनाक्रम में क्या कहेंगे? आज जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी रोकी जो नगर पालिका बहेड़ी की कूड़े की गाड़ी है। उस कूड़े की गाड़ी में 3 बॉक्स रखे हुए थे, संदूक जिसे बोलते हैं, और उसमें जो सामग्री थी वो रोके जब तो ये गाड़ी लेकर भागने लगे। कूड़े की गाड़ी में जो है सादे वैलेट पेपर जो है सब इसमें पाए गए, और जबकि इसमें सील भी नहीं थी और इसको आने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जब इलेक्शन हो गया है तो इनको जो डीएम का जो स्ट्रांग रूम है कलेक्ट्रेट में उसको वहाँ पर होना चाहिए था माल। लेकिन अब दोनों एसडीएम, दोनों आरओ जो हैं, चाहे वो एसडीएम बहेड़ी, एसडीएम आरओ और एसडीएम बहेड़ी और औला, ये लोग ये कह रहे हैं गलती हो गई हमारी, अब हम पूरी ये गाड़ी यहाँ से ले जा रहे हैं, आपके सामने जितने भी बक्से हैं सब सील पैक करके वापस हम कलेक्ट्रेट में रखवा देते हैं। और तो मैंने कहा इसका फिर निचोड़ क्यों कि आपने ही करा, तो मैंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग से बात भी कर ली है, अब आपने हमसे बात करी बहुत लेट हो गए, चुनाव आयोग को मैंने बात भी कर ली है, उस पर खिलाफ आपके खिलाफ जो एक्शन भी होगा। और मैं भी चाहता हूँ कि जो जो यहाँ पर इसमें संदिग्ध हैं, जिसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है, पारदर्शिता कहीं नहीं है, मैंने चुनाव आयोग से ये कहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सहारनपुर थाना बेहड़ क्षेत्र में 3 मार्च को नाबालिग लड़की को एक लड़के पर अगवा करने का आरोप लगाया गया, जहां पर नाबालिग लड़की के परिजन एक दबंग युवक द्वारा बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गए। पीड़ित परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी 4 दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस अब तक नाबालिग लड़की की छानबीन नहीं कर पाई। वहीं पीड़ित परिवार बेहड़ कस्बे से पीड़ित परिजन एसएसपी दरबार पहुंचे और जहां उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 3 मार्च को एक गाँव के दबंग युवक द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हमारी नाबालिग लड़की को बरामदगी नहीं कर पाई। वहीं पूरे मामले में एसपी देहात अतुल शर्मा का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, परिजनों ने गया के ही एक युवक के नाम रिपोर्ट दी है, लड़की की जल्द बरामदगी की जाएगी। देखिए गांव थाना बेहड़ में गांव पड़ता है शेखपुरा, जिसमें कि एक लड़की जो कि अपने ही गाँव के एक लड़के के साथ कहीं गायब है, 3-4 दिन से ये दोनों ही गांव से फरार हैं। इसमें मुकदमा लिख दिया गया है और आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। लड़की नाबालिग है तो क्या अपहरण में मुकदमा दर्ज हुआ या किसमें? देखिए इसमें जो है सुसंगत धाराएं जो होती हैं उनमें धारा दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़की अगर किसी लड़के के साथ चली जाती है तो उसमें 363 धारा लगती है, उस धारा में उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारा मामला यह है जी, जो हम एसएसपी के यहाँ आए, हमारी बहन लगती है जी, वो गाँव का ही लड़का है एक दबंग किस्म का, तो उसने जो है वो अगवा कर ली, 13 साल की उम्र है लड़की की, बहला पुसका के जिस तरह भी वो लेता गया। तो ये मामला है बेहट थाने में, हमने इसकी तहरीर दी, 3 दिन हो चुके तहरीर दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसी करके हम यहाँ एसएसपी के पास, इन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई जल्द होगी। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में छात्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है।
खबर गोरखपुर से है, जहां यूक्रेन से वापस आए 15 छात्र छात्राओं से गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सीएम योगी ने सभी छात्र छात्राओं से बात कर उनके हालचाल लिए हैं। सभी छात्र छात्राओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।